पहले तो मैं फीड करूंगा हमारे अफ्रीकन सिकलेट्स को। ये निकाल लिया मैंने इनका खाना और ये सूंघ लिया मैंने इनका खाना। आप पागल कहोगे गाइस, लेकिन इसका स्मेल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अलग है, अलग ही फ्रेग्रेंस है इसका। तो चलिए अभी इनको फीड करते हैं। मैं ये हर बार करता हूँ क्योंकि जितने भी छुपे हुए जो सिकलेट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं टैप करने से। तो ऐसे टैप करने से सारे बाहर आ जाते हैं और सबको पता चलता है कि मैं फीड कर रहा हूँ, तो कोई भी भूखा नहीं रहता है। ये मेरी टेक्निक है, आप भी आजमा सकते हो। तो मैं अब खिलाऊंगा हमारे दिनेश को। एज यूजुअल उसने पानी गंदा कर दिया है, तो मैं कुछ ज्यादा एक ही टाइम पे फीड करता हूँ क्योंकि एक ही टाइम उसको फीड रहता है। तो ये दोनों टाइम का खाना एक ही टाइम में दे देता हूँ। और ये बता, एज यूजुअल उसने पानी खराब कर दिया है। और ये है उसका क्रोकोडाइल और टर्टल। और ये रहा हमारा मासूम सा दिनेश, जो कि है नहीं, जो हम देखिए कैसे करेगा। लास्ट टाइम आपने वीडियो देखा होगा कैसे जंप करता है, बहुत हाइट पे जंप करता है गाइस और बहुत ही एक्टिव है। ये देखिए, ये देखिए इतना स्पीड है ना इसको, क्या बताऊं। बस एक ही बात की कमी है, इसको हेड नहीं है, लेकिन ये मेरा बहुत फेवरेट फिश है और मुझे ये बहुत पसंद भी है। क्या हुआ, उसको हेड नहीं होगा तो प्यार नहीं होगा, ऐसे नहीं है। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट ही रहेगा क्योंकि ये बहुत एक्टिव है, बहुत रिस्पॉन्सिव है और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, जिसकी आप देख सकते हो। और ये है मेरा भुक्कड़ बेबी टर्टल, जो कि हर टाइम मैं जब भी आता हूँ तो खाना मांगता रहता है। और जो दूसरा वाला है, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा देखिए कैसे कहाँ कोने में छुपा बैठा है। इसको कभी कभी ढूंढना पड़ता है, और ये कैसे आराम से पड़ा हुआ है। तो और ये भुक्कड़, ये हर टाइम खाना मांगता रहता है, जिसको कितना भी डालो ये मांगता ही रहेगा। तो ये है मेरे क्यूटी पाई। ये देखिए यार, ऐसे लग रहा है कि अंडर वाटर शॉट है। वाह, पानी में भी टैनिंग है थोड़ा, जो ड्रिफ्ट उठ है उसका, तो उसकी वजह से कितना नेचुरल लुक आ रहा है। देखिए आंखें, देखिएगा उसकी कैसे ब्लूइश दिख रही है। वाह यार, तो इनको तो मैंने फीड करवा दिया है सुबह, और आप देख सकते हो पैलेट जैसे ही पॉटी कर ली है। तो इनका फीडिंग तो कंप्लीट हो चुका है। और इन्हें देखिए, इन्होंने उसको वो फीडर को तो घर ही बना दिया है। इनको भी मैंने कल फीड डाल दिया था, तो इनको भी शिफ्ट करना है। तो अगले वीडियो में हम इनको शिफ्ट करेंगे ऊपर। अभी बहुत दिनों से ये छोटे, ये छोटा ही है इनके लिए, ये छोटा ही है, तो हम इनको सेपरेट कर देंगे और अलग अलग केजेस में इनको डाल देंगे, ताकि ये एंजॉय कर सके, ब्रीड कर सके और हमें छोटी छोटी बेबीज दे सके। तो चलिए गाइस, आप सबसे इंटरेस्टिंग काम करेंगे हमारे टेरेंटुला को, हम अभी फीड करने वाले हैं, तो आप ही के सामने लाइव फीडिंग होगा। कैसे रिस्पॉन्स करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है हमारा जो टेरेंटुला है, जो गोल्डन चाकूनी है, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं उसका फीडिंग। तो गाइज ये बहुत ही बढ़िया एंगल है, अब मैं निकाल लेता हूं इसमें से एक मील वर्म। मैं थोड़ा बड़े साइज का ही दूंगा आज इसको। अरे दीजिए, तो ये मैंने मील वर्म निकाल लिया है, अभी हम फीड करेंगे। कमान 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 कमान, You can do it. धीरे धीरे पकड़ रहा है, देखिए ये पकड़ लिया। Yeah, come on. Yes, yes, yes. Woohoo! आज मैंने इसको बढ़ा दिया है, तो आप देख सकते हो क्या बढ़िया तरीके से पकड़ा है गाइस। वाह यार,
भाई उसके कलर्स देखिए, उसके हेयर्स देखिए, उसके ऊपर के हेयर्स कैसे चमक रहे हैं। तो अब ये इसको मार देगा, इसके अंदर का जो जहर होता है उसके अंदर डाल देगा ये जहर। मैं इसकी थोड़ी हेल्प करूंगा। इसको काटना नहीं चाहिए। इसने उल्टा पकड़ा है और इसने छोड़ना भी नहीं चाहिए इसको। इसने जहर तो इंजेक्ट कर लिया होगा लेकिन उसमें जितनी भी जान है तो वो हड़बड़ाहट में यही करेगा। लेकिन इट्स ओके, अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल दिख रही है। ये देखिए, तो जैसे कि आपने देखा क्या बढ़िया पकड़ा है हमारे टेरेंटुला ने। तो अगले वीडियो में मैं इसका नाम रिवील करूंगा कि मैंने इसका नाम क्या रखा है और मैं क्या सोच रहा हूँ और आपको कैसे लगेगा, कैसे लगा इसका नाम, ये अगले वीडियो में बताऊंगा। तो थोड़ी कंफ्यूजन है दो नामों में, तो मैं रखने के बाद आपको बताऊंगा कि कैसे लग रहा है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा टीरेक्स क्या कर रहा है। तो इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे अभी। गाइस इन्होंने ऑलरेडी खाना खत्म कर दिया है लेकिन ये वापस चाहते हैं कि मैं इनको खाना खिलाऊं, लेकिन नहीं, आप इतना ही खाओगे, शाम को मैं वापस थोड़ा आपको खिलाऊंगा। तो अब आप जितना भी खाना खाया है वो पचा लो, बाय बाय। तो गाइस आज मैं मेरे टीरेक्स को खिला रहा हूँ, देखिए मेरी राह देख रहा है। तो आज मैं इसको खिला रहा हूँ शेकू, महाराष्ट्र में तो इसको शेकू कहते हैं। आपके यहाँ पे क्या कहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं, इसको क्या कहते हैं। महाराष्ट्र में हम इसे शेकू कहते हैं। तो ये देखिए कैसे झांक रहा है यहाँ से, और मेरे हाथ में इसने ये खाना देख लिया है। तो अभी उसका रिस्पॉन्स देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे भागते आएगा। मैं पहले इसको भगाता हूँ। टी-रेक्स और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने इसके ऊपर टाइल्स रख दी है क्योंकि अभी समर सीजन चालू हो गया है तो धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको भी थोड़ी छांव चाहिए, इतना पोर्शन काफ़ी है इसके लिए बास्किंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे टाइल्स लगा दी है ताकि इसको शेडो भी मिले जब इसका बास्किंग कम्प्लीट हो। और ये देखिए, चलो ज़्यादा तंग नहीं करूँगा खाने के लिए, तो चलिए आ जाओ। ये देखिए मेरा डायनासोर, खतरनाक डायनासोर टीरेक्स। ये देखिए कितनी भूख लगी है। तो एज यूजुअल हमारा डब्बा दरवाजा खोल के मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे नहीं खोल सकता, नहीं तो ये यहाँ से उखड़ता है, यहाँ से उखड़ता है, यहाँ से उखड़ता है। देखिए यहाँ से तो उखड़ा हुआ है, लेकिन अच्छी बात है कि मैंने इसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रिप लगाया है मेटल का, इसकी वजह से ये थोड़ा तो स्ट्रांग हो गया है लेकिन इतना भी नहीं। तो चलिए टीरेक्स अभी उसकी जगह पे आ रहा है, हैंड फीडिंग वाले। ये देखिए गाइस ये पहले ही नीचे आ चुका है तो मुझे डर लग रहा है अभी ये जंप ना करे बाहर। और ये डब्बा दरवाजा अभी धीरे धीरे खुल रहा है, तो मैं यही से हाथ डाल के इसको, ये दे दिया मैंने उसको खाना। यार इसका कुछ तो करना पड़ेगा इस दरवाजे का, एक तो मैं कुछ ना कुछ चेंजेस करूंगा या फिर ये कांच ही चेंज कर दूंगा क्योंकि बहुत तकलीफ होती है गाइस इस हैंडल करने में, सब कुछ करने में मैं तो इस चीज से तंग आ चुका हूँ, इसीलिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, या तो इसका फ्रेम चेंज करना पड़ेगा या ग्लास चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर ज्यादा वेट ना आए इसीलिए मैंने ये लगाया था, लेकिन क्या करें अभी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। गाइस देखते हैं हमारे कलर भी पास कर रही है धीरे धीरे, देखते हैं वापस मेरा पोपट करते रहते हैं ये गाइस, गजब बेइज्जती है ये। यार मुझे छोड़ते नहीं, बहुत बेइज्जती करते हैं।
तो ये रहे हमारे टर्टल्स, राह देख रही है मेरी। अरे फोकस, हाँ हो गया। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो ये मैंने छोटा सा फिल्टर लगा दिया है, मैं आपको बाद में इसके ऊपर डिटेल वीडियो दिखाऊंगा कि ये कैसे लगाया है, लेकिन ये छोटा सा फिल्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये दिन रात चालू रहता है। देखिए छोटी सी मोटर है लेकिन बहुत काम की भी है, और कुछ ना होने से अच्छा है, कुछ तो है, फिल्ट्रेशन भी चालू है तो ये अच्छे से फिल्टर करेगा पानी को, और दिन रात चालू रहता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा पानी खींचता है, एकदम थोड़ी अमाउंट में खींचता है, लेकिन फिल्ट्रेशन मैंने जैसे कहा कुछ ना होने से अच्छा है, कुछ तो है। और थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है हमारे फिल्ट्रेशन में, इसीलिए हमारा बड़ा फिल्ट्रेशन ऑन नहीं है। तो मैं आपको डिटेल में वही वीडियो दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आया था और क्या प्रॉब्लम था और फिल्ट्रेशन कैसे वर्क करता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले हैं आगे के, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी जल्दी इनको फीड कर देता हूँ, एज यूजुअल यही उनका टायो का फूड डाल दिया। एंजॉय गाइस। फिशेस भी फीड करते हैं उसके ऊपर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।